बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस समरीन, योर मैथ टीचर फॉर ग्रेड 10। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओपन योर बुक्स एंड कॉपीज। एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक आपको फॉर्म दी हुई थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिड्यूस किया था। इसी तरह रेसिप्रोकल फॉर्म दी हुई थी जिसमें ए सेकंड टाइप इसकी थी, ए ऑफ पी ए इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। वो आपने फिर सॉल्व किया था जैसे वाई के इक्वल करके और फिर उसको पुट किया था मल्टीप्लाई करके। इसमें आपका ये जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेकंड टाइप से ही है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म थी क्वेश्चन, एक ही फॉर्म में था x प्लस 2 और x प्लस 2, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के साथ है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस यहाँ पर सेकंड में इसी का रेसिप्रोकल दिया है, जैसे यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिए ना इसी का रेसिप्रोकल, इसी तरह इसी का रेसिप्रोकल है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। इसको सॉल्व सेम उसी तरह करना है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। यहाँ करेंगे एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। लेट इस पूरी जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम इक्वल करेंगे वाई के, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। देन जब ये वाई है इसका रेसिप्रोकल ये है, देखिए ये एक्स माइनस 2 पर आएगा एक्स प्लस 2, इट्स मीन कि ये वाई का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1 ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। Therefore, the given equation reduces to x reduces to y minus, ये minus का sign है देखें, ये y होगी, ये minus और ये 1 over y is equal to 5/6। इसके बाद है multiply both side by 6y। अब देखें 6y, जैसे पहले आप लोगों ने question number 4 और 5 में आपने किया था, जब आपके पास denominator आता है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ quadratic equation हमारे पास denominator फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6y से, जो आपके पास डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6y मल्टीप्लाई बाय माइनस 6y मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 6y। 6 अभी मल्टीप्लाई होकर तो 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, 6y स्क्वायर माइनस 5y यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन बना ली, फिर आप बाई फैक्टराइजेशन से करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, या आप अपनी चॉइस है जैसे आपको ईजी लगे। अब ये आप जब आपके पास ये मैंने फैक्टराइजेशन से किया, फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पहले भी कर चुके हैं, अब इसमें 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 2, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह फैक्टराइजेशन हुई है। दो नंबर ऐसे लिए जिनको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 आएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू आगे 3/2 और y इज इक्वल टू माइनस 2/3। इन क्वेश्चन में आप लोगों ने मस्ट जो आपको y की इक्वल किए, इसलिए पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, y की जो वैल्यू आप लोगों ने ली थी वो थी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, उसके साथ आप लोगों ने इक्वल करके लिखना है। पहले आप लोग लिख रहे हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2, फिर एक्स माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2। इसको करें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ कर लें, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 3 इंटू एक्स माइनस 2, फिर हो जाएगा 2x 2 2s आर 4 3x 3 2s आर 6 2x माइनस 3x माइनस x आर इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू आपके पास 10 आ गया। इसके बाद आप लोग सेकेंड वाले को भी इसी तरह, दो आपके पास आई हुई है एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2/3, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2, 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसी तरह आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2/5 आ गया। सो सोल्यूशन सेट इज 10 एंड माइनस 2/5 आंसर आपका।
अब पार्ट सेवन जब हम करेंगे, सिक्स सेवन जब करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी टाइप थ्री। टाइप थ्री हम यहाँ से देख लेते हैं, पेज नंबर आप देखें, पेज नंबर 11, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी सेम उसी तरह होगा, जो सेकेंड वैल्यू होगी आपने इसको इक्वल करना है वाई के। फिर आप यहाँ से जब y के इक्वल करेंगे तो अब ये तो x प्लस वन ओवर x नहीं है ना, ये तो x स्क्वेयर है, इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास फार्मूला फॉर्म में अगर ये भी x प्लस वन ओवर x होता तो आप सिंपल कर लेते, ये y हो जाता और ये इसके ऊपर अगर स्क्वेयर होता तो ये आ जाता वाई स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 1.2, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 3 × x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 16x प्लस 1 ओवर x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3 × x² प्लस 1 ओवर x² माइनस 16x प्लस 1 ओवर x प्लस 26 इज इक्वल टू 0, टाइप 3, जैसे कि मैंने आपको बताई है। इसके बाद सोल्यूशन में आप क्वेश्चन निकले जो आपने सेकेंड वाला है, जो मैंने हम लोग पहले भी क्वेश्चन में सेकेंड वाले को वाई के इक्वल लिया है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास यहाँ तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स नहीं, ये तो एक्स स्क्वेयर है, इसलिए इसको करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अभी अगर आप देख सकते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला बना है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। अब इसको फार्मूले के फॉर्म में खोलें, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर टू वहाँ कैन शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, देयर फोर द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस एज फॉलोज, 3 × अब एक्स स्क्वेयर, ये जो आपने देखे क्वेश्चन आप यहाँ से देख लें आप लोग, और इस तरह आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 × x² प्लस 1 ओवर x² की जगह लिख लें वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 16, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स वाई जो है, तो ये किसकी x प्लस 1 ओवर x इक्वल है वाई के प्लस 26, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3y² माइनस 3 × 2 = 6 माइनस 16y प्लस 26। इसके बाद आप लोग माइनस कर लें 6 को 26 में से तो 20 आ गया। अब फैक्टराइजेशन से करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये आपके अपनी चॉइस है, 3y² माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20। अब मैंने फैक्टराइजेशन से किया, देखिए प्लस करें तो प्लस करें तो 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 23 = 16, ये देखें 23 = 16, मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और प्लस करें तो ये 16 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है ना, बेशक यहाँ पर माइनस हो, फिर वो हम उसको देखते हैं कौन से दो साइन लगे, फिर 10 और 6 आपके पास 16 हो जाते हैं, और 10 × 6 = माइनस प्लस 60, ये आपके पास दो नंबर आ जाएंगे, माइनस 10y माइनस 6y प्लस 23y × 3y माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, y यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस भी आपके पास जब बाहर आ जाएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 3y माइनस 10 × y माइनस 2 = 0, 3y माइनस 10 = 0, y इज इक्वल टू माइनस 10 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा 10/3, y माइनस 2 = 0, y इज इक्वल टू। अब पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, वही मेथड है। अब यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x, y की जो वैल्यू थी वो थी x प्लस 1 ओवर x। अब इसको इसी तरह करेंगे मल्टीप्लाइंग, 3x जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पर भी x प्लस 1 ओवर x, अब आप लोग ये देख सकते हैं इसी तरह इसी मेथड से करें, 3x को मल्टीप्लाई करें, फिर 2x को करें, जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास लास्ट में फैक्टराइजेशन फिर आ जाएगा, वही मेथड जो स्टार्ट में था एज इट इज़, आपने उसी तरह करना है, x माइनस 3 = 0, 3x माइनस 1 = 0, x की वैल्यू 3 आ गई और x इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से x की दोनों 1 ही आ गई, एक दफ़ा 1 लिखे या दो दफ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, सो सोल्यूशन सेट इज 1 1 3 1/3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 दो दफ़ा है तो 1 एक दफ़ा लिख लें, 3 1/3 आंसर भी आपका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ टीचिंग, थैंक यू। नाउ डू होमवर्क, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 8 and 9, एट क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लें, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, इसको आप वाई इक्वल लेंगे तो देखिए ये भी एक्स प्लस वन ओवर एक्स और होल स्क्वेयर तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 16 = 0,
और फिर आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, फिर पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ वाई, फैक्टराइजेशन सारा आपका वही मेथड हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस वन ओवर एक्स है, इसको वाई के इक्वल लें, फिर स्क्वेयर बोथ साइड करें तो आपके पास वही मेथड आ जाएगा। थैंक यू।